हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश झिंडा ने कुरुक्षेत्र उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और झिंडा ने कहा है कि सिख कमेटी के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग कमेटी के लिए चुनाव हो ताकि सरकार की बनाई गई कमेटी और अलग कमेटी में कोई टकराव पैदा ना हो और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रहे। उपायुक्त प्रतिनिधि को ज्ञापन देने के बाद जगदीश सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जल्द से जल्द गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सरकार ने 38 मेंबरी कमेटी बनाई है और जबकि सिख संगत ने 41 मेंबरी कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर आपसी भाईचारा खराब ना हो इसके लिए हरियाणा के चुनाव आयुक्त मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपील की जाती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रह सके। देश आने के बाद हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन चुकी है और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर सरकार चुनाव कराए। उसका कारण ये है कि 38 मेंबरी सरकारी कमेटी बन चुकी है जो सरकार की तरफ से बनी है और दूसरी कमेटी 41 मेंबरी कमेटी संगत की तरफ से गठित हो चुकी है। अब किसको चार्ज दिया जाए इस पर कभी विवाद ना खड़ा हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए और जल्दी से जल्दी इसके फार्म छपवा कर बांटे और 31 अप्रैल तक सारे हरियाणा के वोटें का काम पूरा करे और मई और जून में इसकी हलकाबंदी की जाए और आगे अगस्त में जाकर इसका हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराया जाए ताकि कोई हरियाणा में सिखों में कोई भाई आपस में विवाद ना खड़ा हो दो कमेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट।